कह रहा है कि सीमांचित्र में जो है पैमाना दिया हुआ है आपको 1:4×10^5, ये पैमाना दिया हुआ है। देखिए मानचित्र में नीचे लिखा रहता है ऐसे करके। अब कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, कितना है 4 सेंटीमीटर, तो वास्तविक दूरी बताइए। तो आप लोग मानचित्र में एक चीज ध्यान नहीं दिए होंगे, दिए होंगे भी तो, कि मानचित्र में जैसे जो भी चीज बना रहता है ना ऐसे करके फिक्स दूरी रहता है, दूरी फिक्स रहता है, भले ही वो आपको छोटा दिख रहा है तो उस छोटा के बराबर कितना लेना है वो नीचे मानचित्र में लिखा रहता है। उतना से कैलकुलेट करोगे तो जो भी बॉर्डर है, जैसे बिहार का बॉर्डर है उतना ही आएगा, उड़ीसा का बॉर्डर है, झारखंड का बॉर्डर उतना ही मान आएगा। ये नहीं कि खाली बिहार ऐसे करके बना दिया गया, ऐसा नहीं है, उसका बॉर्डर का जो है वो मान भी सेम आता है, समझ में आ रहा है। उसी आधार पर कह रहा है ये पैमाना है तो 4 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा। देखिए एक का मतलब क्या हुआ, एक की जगह पर क्या लेंगे 4×10^5, तो 4 सेंटीमीटर बराबर क्या लेंगे 4×4×10^5, 4 से गुणा हुआ ना, और क्या चीज में सेंटीमीटर, 4×16 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 10^5 कितना हो जाएगा 3 मीटर, और मीटर को किलोमीटर में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 किलोमीटर। इस तरह से क्या वास्तविक दूरी कितनी है दोनों के बीच, 16 किलोमीटर।